देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। तो आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया। हम लोग इस वक्त मौजूद है मालेगांव शहर की गिरना नदी के अंदर, और नजारा बिल्कुल ये है कि जिस तरीके का सोशल मीडिया पर एक वीडियो कुछ दिनों पहले ऊना के लोनावाड़ा इलाके का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो परिवार के कुछ लोग इसी तरीके से पिकनिक मनाने के लिए आए थे और पानी बढ़ गया था और वो फंस गए थे। लेकिन यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आया गया। मालेगांव शहर और धुलिया शहर के कुछ मच्छी मारने वाले यहाँ पर मच्छी मारने के लिए आए हुए थे, और आप देख सकते हैं हमें जब जूम करके दिखाओ उनको जूम करके कि यहाँ पर कम से कम 15 लोग यहाँ पर पानी बढ़ गया है और यहाँ पर वो अटक गए हुए। मालेगांव शहर का फायर ब्रिगेड हमले की पूरी टीम यहाँ पर उनको बचाने के लिए पहुंची हुई है, और जैसे ही ये खबर मालेगांव शहर में फैली कि कुछ लोग ऊना लोनावाड़ा की तरह यहाँ पर भी अटक चुके हैं, पानी में फंस चुके हैं, तो लोग इतनी बारिश में भी उनको यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, यहाँ पर इस भारी बारिश में इस तरीके से बेवकूफी वाला काम मतलब यहाँ पर किया गया है कि जब ऊपर से बारिश हो रही है, प्रशासन की ओर से जब बताया गया कि पानी बढ़ने वाला है, मैसेज दिया गया, उसके बावजूद भी ये मच्छी का शिकार करने वाले शौकीन लोग जान को जोखिम में डालकर यहाँ अटके हुए हैं। अगर इसी तरीके से ऊपर से बारिश बढ़ती रही तो ये लोग यहाँ फंसे रहेंगे और पूरी यंत्रणा यहाँ पर रहेंगी। हमारे साथ में फायर ब्रिगेड हमले के संजय पवार हमारे साथ में हैं, शकील तैराक हमारे साथ में हैं, और बड़ी एक टीम यहाँ पर तैराक लोगों की यहाँ मौजूद है उन्हें बचाने के लिए निकालने के लिए, लेकिन काफी दूरी पर है वो जाने के लिए यहाँ कोई ना कोई बंदोबस्त भी मतलब करने की कोशिश की जा रही है। आइए बात करेंगे हमारे साथ में जो संबंध विभाग के अधिकारी है, नगर सेवक हमारे साथ में है, राशिद मेंबर हमारे साथ में है, सारी मेंबर हमारे साथ में है कि क्या कितने वक्त से ये लोग फंसे हुए थे और क्या कंडीशन है। शकील भाई क्या मतलब कंडीशन है, कब से फंसे ये लोग? तकरीबन ये 5 बजे से हमको फोन आया फायर स्टेशन पर, जब से मालेगांव फायर ब्रिगेड की टीम हमारे अधिकारी पवार साहब और हमारी पूरी टीम और किला तैराक ग्रुप अतर अहमद और ये बहुत सारे लोग हम यहाँ मौजूद है, उनको रेस्क्यू कर और बचाने की कोशिश भी की गई। मैं उड़ी मारकर उस तरफ जाने की कोशिश पूरी किया, पानी का फ्लो होने की वजह से कि यार सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, उसमें कुछ चीते नहीं आता, वो मच्छी मारने के लिए आए हुए थे, तैराकी भी नहीं है उसमें से, एक हमारे शहर का बाले है तैराकी है बाकी, लेकिन 15-16 लोग भूलिया के कुछ लोग है तैराकी नहीं है, उनको सर्च ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का फ्लो इतना है अगर उन्हें निकालते हुए लाते हुए अगर छूट गए पता न करे तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी पूरी टीम तैयारी, अभी पवार साहब ने ऊपर क्या तैयारी है, पवार साहब आइए खालिद भाई, पवार साहब क्या तैयारी है, किया जा रहा है। इधर हुआ कम से कम आधी 10 फीट क्या आप इंतजार करेंगे या फिर कुछ कोशिश की तैयारी करेंगे? 10 फीट के अगर पानी पड़ा तो पानी फैलेगा पहुंचेगा नासिक रीजियन जो ऑफिसर है तहसीलदार साहब हमारे कमिश्नर साहब किया गया है, SDRF की टीम हम बुलाने के नेतृत्व में, अगर SDRF की टीम आई तो एक फ्लोर डाल के तो कितना वक्त लग सकता है? प्रोसीजर चल रही है लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच कि पानी को बहाव हो जा रहा है, कुछ अगर रेस्क्यू ऑफिस होता है तो कुछ होता है जान की आहत हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जैसे कि सबसे 2-4 बार हमको बात नहीं करना पहुंचने के बातचीत भी करा, वो अभी स्टेबल है, कोई डरे हुए नहीं है, और कम से कम अभी 10-12 फीट भी अगर पानी पड़ा तो उन तक पहुंचेगा, पानी फैलेगा उन तक पहुंचेगा, उनको एश्योर किए लोगों ने कि आप जल्द से जल्द निकलो वहां। लेकिन बारिश जिस तरीके से शुरू है कुछ कहा नहीं जा सकता कि और भी पानी ऊपर से अगर छोड़ा गया तो क्या इसका कोई अल्टीमेटम है?
अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का जो पार्ट ऑफर विभाग का जो हमारा है उसमें से भिंगोड़ा जो नदी है भिंगोड़ा में से जो है तो 10,000 क्यूसेक पानी उन्होंने छोड़ा है और ऊपर भी पानी हो रहा है, तो कैचमेंट एरिया वहां पर भी पानी हो रहा है, तो पानी का बहाव है और लेकिन अभी बढ़ने की कोई शक्यता हमारे वो ग्रुप पे नहीं है। अभी लगभग जो हरनबारी है तो हरनबारी से भी 850 या लगभग 900 क्यूसेक पानी वहां से भी ओवर फ्लो हो रहा है, तो वो भी मौसम को आएगा। अभी अभी थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ये उजाला सा है लेकिन रात होने के बाद और मुश्किल हो जाएगा मतलब रेस्क्यू कर पाना 100%, क्योंकि अभी हमें आधे घंटे पहले सूचना मिली है, थोड़ा सा ट्राई भी है लेकिन बेस्ट में ऐसा ही है, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पर कुछ रोशनी है, कुछ उजाला है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी जब अंधेरा हो जाएगा और ऊपर भी जिस तरीके से पवार साहब ने कहा कि बारिश कंटिन्यू ऊपर भी शुरू है, पानी छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बारिश है, बारिश अगर चलती रही उसका ज्यादा अगर बारिश का तापमान और बढ़ जाता है तो पानी डैम में बढ़ेगा तो पानी छोड़ा भी जा सकता है और रात होने के बाद बचा कर निकाल पाने का रेस्क्यू काफी मुश्किल होगा, क्या कहेंगे आप? अभी यहाँ पर तो फायर स्टेशन की जो टीम है पूरी एक्टिव है, लगी हुई है काम करने पे, जैसे भी उनको कैसे निकाला जाए, ऊपर रास्ते में लोग हैं, कमिश्नर साहब से बात चालू है, नासिक बात चालू है और जो है तो राशि और मंगाए निकालने के लिए उस बाजू डालने के लिए तो उनको डालकर निकालने, और एक चीज ऐसी है कि 5 बजे से ये लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, 4:45 बजे फोन आया हमको कि यार ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं धुलिए के और हमारे किले का एक बाले करके वो भी फंसा हुआ, तो 5 बजे फोन आया पवार साहब को फोन करे फायर स्टेशन में, तो पर से आए लोग आकर जो इनका काम करे जो करना है और अभी तक के लगे हुए हैं, कमिश्नर साहब से भी अभी बात हुई 5 मिनट हुए हैं, मुख्य साहब से भी बात हुई हमारे, तो जो भी इनको लगेगा निकालने के लिए बोले हम फुल मदद करने के लिए रेडी है, पवार साहब भी है तकरीबन जो है तो 1 घंटे से यही है पवार साहब भी, ठीक है देखते हैं मतलब जो तैराकी वजह से निकल जाएंगे नीचे भी जाके आए, नीचे जाके कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जाके आए नीचे, लेकिन नीचे भी ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि रात का यहाँ पर अंधेरा अंधेरा होता हुआ जा रहा है और अंधेरे के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि रेस्क्यू कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं वो रात का जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ 5 बजे से ये लोग फंसे हुए हैं, 5 बजे से फंसे हुए हैं और लगभग अभी 7:30 बजने के करीब है, आधे घंटे में यहाँ पर घना अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और लाइट की व्यवस्था के साथ ही फिर इन लोगों तक पहुँच पाना मुश्किल होगा क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं अभी इन लोगों को हमको देख पाना काफी मुश्किल हो रहा है और जैसे ही जब ये और अंधेरा घना हो जाएगा तो शायद वो हमें दिखाई देना भी बंद कर देंगे और सिर्फ फोन पर ही उनसे बातचीत होगी। अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर जमी हुई है क्योंकि जब माहौल ऐसी हो जाता है तो लोगों में एक बेचैनी भी पाई जाती है, लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से इन लोगों को बचाया जाएगा किस तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन अभी हमारी बात हुई संजय पवार से नगर सेवक से सचिव तैराक से इन लोगों से बातचीत हुई, हम कह रहे कि हमारी कोशिशें जारी है उनको निकालने के लिए, लेकिन सवाल ये होता है हो जाएगा कि रात का अंधेरा हो जाने के बाद अगर पानी का भाव बढ़ जाता है तो किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है कि इसमें कोई भी एक शख्स के अलावा किसी को भी यहाँ पर पानी में तैरना नहीं आता है और पानी का भाव कितना तेज है ये आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, ये पानी यहाँ पर तेजी के साथ बह रहा है, मालेगांव शहर के वाटर टाइगर कहलाने वाले शकील तैराक जैसे तैराकी भी यहाँ पर इस पानी का मुकाबला करने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतराते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जान भी बचाना अपने लिए अहम होता है और इतने फोर्स के पानी में इन लोगों को बाहर निकाल के ला पाना ये मुश्किल सवाल भी यहाँ पर प्रशासन के सामने खड़ा हो गया है। अभी सभी लोगों की कोशिशें इस पर जारी है और 15 लोग फंसे हुए हैं, 15 लोगों को निकाल कर लाने में कितना वक्त यहाँ लग जाएगा, अगर पानी का भाव नहीं बढ़ता है तो ठीक है पानी के भाव के कम होने के बाद निकाल ला पाना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर पानी बारिश चलती रही तो निकाल कर लाने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, यहाँ तक कितना समय हो जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर पूरी एजेंडा लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, देखते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन या उन्हें निकाल कर लाने में कामयाब होते हैं या फिर पानी के भाव का कम होने का इंतजार करते हैं, क्या कहेंगे इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी तो जैसे पवार साहब ने ऊपर बात की इंतजार कर रहे हैं टीम आ रही है क्योंकि एक्टिवेट उनके लग है तो जोर भांग कर इस तरफ से उस तरफ कर कुछ न कुछ
मतलब अमली घर पर उनसे निकालने की कोशिश हमारी चालू है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पानी का फ्लो इतना स्पीड है ना, यहाँ मर रहा था कि हम तो ऐसे चले जाएंगे, हमें मैंने ट्राई भी किया जाने का, वो इधर लेकिन वो पानी का फ्लो इतना होने की वजह से सामने वाले को इधर वापस लाते जान जाने का उसको वापस मतलब पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा, पकड़ पाना मुश्किल है। फ्लो इतना तेज है, फ्लो बहुत तेज है और तकरीबन 15 लोग हैं, एक दो लोग नहीं 15 से 16 लोग हैं जिन्हें आती भी नहीं है, अगर कोई तैराकी जानता हो तो उसे पकड़ कर पीछे ला सकते हैं, लेकिन जब इस आदमियों को स्विमिंग नहीं आती उसे बचाना वो तीरने वाले को डुबो, तीरने वाले को भी डुबो सकता है और खतरनाक अमल है। रस्सियां भी टूट गई थी, अभी रस्सी डाले रस्सी भी टूट गई थी, तो एकदम कंडीशन बिल्कुल लोनावाला की तरह यहाँ मालेगांव शहर की गिरना नदी में हो चुकी है। अभी देखना यह कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन कब शुरू होता है। हम बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे यहाँ से, हम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया यहाँ की लाइव खबरों के साथ। ओके जी।